हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म का इंग्लिश तमिल तेलुगु हिंदी ये जो सभी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 के अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हास्ब्रो का जो किरदार है ट्रांसफॉर्मर का टॉय लाइन का तो उसके ऊपर इंफ्लुंस होकर इस फिल्म को के किरदार को तैयार किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 2007 से शुरू हुई ये सीरीज़ पहले जो जु, तीन जुलाई 2007 को ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके बाद में चौबीस जून 2009 को ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन करके एक सेकंड पार्ट लाया गया वो भी काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ उसके दो सालों के बाद उनतीस जून दो को ट्रांसफार्मर ट्रार्क ऑफ द मून को रिलीज किया उसके तीन सालों के बाद सत्ताईस जून 2014 को ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सिस्टेंस को रिलीज़ किया था 21 जून 2017 को ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट को रिलीज़ किया हुआ था तो ये इस फिल्म के ओरिजिनल सीरीज़ के वर्जन थे उसके बाद में रिबूट फिल्म्स आई हुई थी इसके ऊपर जहाँ पे बम्बल बंबल बम्बल ब्ली करके 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ की हुई थी और फाइनली अब 9 जून 2023 को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द पीट्स को भी रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मर वन करके तेरह सितंबर 2024 को इस फिल्म का एक और नया पार्ट आने वाला है जो अभी फिलहाल में प्रोडक्शन के ऊपर है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नेल मेटियार और जोस पीटर्स एरिका होबियर जॉन होबेर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पाँच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल्ड का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी बोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरादीन और डेंकेन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे स्काई डांस मीडिया हैसब्रो न्यू रिपब्लिक का पिक्चर्स डी आई पोनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारीना बे एंडस में 27 मई 2023 को रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमंस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूमन्स ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहते तो ह्यूमस के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा डोमिनिक का फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलिस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलिस ने इस फिल्म में प्रीना डाइस का रोल प्ले किया हुआ है जो नो की मां का रोल है डी स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइस का रोल प्ले किया है जो नो की यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से सफ़र कर रहा है वहीं पे पर टॉब के ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली इस फिल्म में एजेंट ब्योर के का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टील्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एन डेवाइन ने इस फिल्म में बिशोप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ओप्टीमस प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पालमेन ने ऑप्टिमस प्रिमल का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कॉर्च का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लिजा कोजी इसमें आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्ट्रेटोस्फ़ेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बैटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइटबर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नांडीज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन किरिसा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म के नॉन स्पीकिंग किरदार के ऊपर एक तो है बम्बली बी और दूसरा है फ्रीजर तीसरा है स्कॉर्पनोक तो ये भी तीन किरदार है वो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट किरदार है जिसमें अलग अलग एक्टर्स ने अपना वॉइस ओवर अपनी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस एज ए ह्यूमन ट्रांसफार्मर के तौर पे दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉमर की फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत चल रही थी जहां पे प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जहां पे इसको प्रॉपर वे में हम बड़ा एक प्रॉपर फ्रेंचाइज़ के तौर पर रिलीज़ करेंगे जहाँ पे, पे बमली बीच जिस तरह से उस साल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे के प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जनवरी दो में पेराउंड पिक्चर्स ने रिपोर्टली ली था कि दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्म के ऊपर काम चल रहा है जिसको जेम्स वेडलेबिट और अनदर राइटर जिसका नाम है जो भी हेरोल्ड वो लिख रहे नवंबर में पता चला था कि स्टीवन केपल जूनियर को एज अ डायरेक्टर के तौर पे का कास्ट के चूज किया हुआ है फरवरी 2021 में रिवील किया गया था कि ये फिल्म का टाइटल ट्रांसफॉर्मर बिस्ट एलाइंस होने वाला है जहां पे जिसमें बिस्ट वॉर के फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पीछे इसके बाद में वर्चुअल इवेंट रखा गया था जहाँ पे पैरामाउंट के द्वारा वो इवेंट हेल्ड किया गया था जून महीने में उसके बाद में इस फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल आया उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले जहाँ पे नाम मिला ट्रांसफर राइज ऑफ द पीट्स जहाँ पे वो रिविलिंग करता है बम्बल सिकवल के बारे में और बिस्ट वर्क के बारे में इसके अलावा बाद में कंफर्म किया गया था कि मैक्सिमल्स और प्रेडाकॉन्स इसके साथ जुड़ने वाले जहाँ पे टेरेकॉन्स फिक्शन का एक नया टेक होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्शन है वो पूरी तरह से टर्मिनेटर टू जजमेंट डे जो 1991 है उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म की जो कहानी है जो किरदार है वो ऑप्टीमस प्राइम प्रायर जो 2007 की फ़िल्म थी उससे हम इंस्पा इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे जहाँ पे बमली भी जो सेल्फ टाइटल फिल्म है वो किदार भी इस फिल्म के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी जहाँ पे अलग अलग एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट को इस फिल्म के किरदारों के लिए लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सात जून 2021 को लॉस एंजलिस में स्टार्ट की गई थी शूटिंग को पेरू में रखा गया था उसके बाद में माचू पिचू कु तो, मार्टिन मॉन्ट्रियल और बुरकलिन में शूट किया हुआ था अक्टूबर दो तक इस फिल्म को ऑफिशियली रेप अप करवाया गया था 20 दो बीस अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस तक फिल्म का पूरी तरह से ब्रेपअप करवाने के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जहां पे इस फिल्म के वी के ऊपर और अलग सीजीआई जी आई अलग अलग डिपार्टमेंट में इस फिल्म के साथ म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काम किया गया था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के लिए जोंगियर पॉन्थेम्स को चूज़ किया हुआ था जहाँ पे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग आ, फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया हुआ था और इस फिल्म के साथ इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था फिल्म को पूरी तरह से बाद में तैयार करवाया गया मार्केटिंग करवाई गई थी करीबन काफ़ी लंबी मार्केटिंग रही थी और उसके बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मारियन बेसेंट सिंगापुर में इस फिल्म को सत्ताईस मई दो को पहले प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा इंडिया ऐसे अलग अलग लोकेशंस में 9 जून 2023 को इस फिल्म को आई डॉल्बी सिनेमा फोर रियल आई डी फॉर्मेट में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को बाद में पोस्टपोन का, का, किया गया था पहले ये फिल्म करीबन चौबीस 20 जून 2022 को आने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में 9 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था वैसे इस फिल्म के आने वाले समय में साउथ कोरिया में 6 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को बाईस जून दो हज़ार तेईस को रिलीज़ करने वाले अगस्त चार चार अगस्त दो हज़ार तेईस को इस फिल्म को जापान में भी रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में अलग अलग कंट्रीज़ में फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पी अभी तक 16000 वोट मिले हुए हैं जिसमें 6.6 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहां पे इस फिल्म का एक प्रोडिक्शन लगाया गया था कि ये फिल्म कुछ इस काइंड ऑफ कलेक्शन करेगी उसके मुकाबले फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करके दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का पचास साठ मिलियन का कलेक्शन सोचा गया था ओपनिंग वीकेंड के ऊपर करीबन छत्तीस सौ थिएटर में को रिलीज किया हुआ था यूएस कैनेडा में जब रिलीज किया गया तब जो एक प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके मुकाबले फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही दिन करीबन 25.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जिसमें एक वेनेसडे और थर्सडे के जो नाइट प्रीव्यू स्क्रीनिंग रखी गई थी जो कलेक्शन था आठ पॉइंट यूएस मिलियन डॉलर वो भी है जहाँ पे द लास्ट नाइट जो फिल्म आई थी जिसने 2017 में 5.5 पॉइंट पाँच बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था बम्बली ने दो पॉइंट पिचासी यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन 2018 में किया हुआ था और इस फिल्म ने डेब्यू ही सिक्सटी पॉइंट मिलियन डॉलर किया हुआ था जहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस पे उसने टॉप किया जून दो जून बारह जून दो तक इस फिल्म ने यानी कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स फिल्म ने करीबन 66.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन यूएस एस केनेडा से कवर किया वहीं पे 110 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन दूसरी अदर टेरिटरी से कलेक्ट किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का तीन दिनों के अंदर ही करीबन एक सौ यूएस मिलियन डॉलर के आसपास निकला हुआ था और इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक वीकेंड हासिल किया और डेफिनेटली ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी हिट कहलाई और आने वाले समय में इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स आने वाले जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है पॉसिबल क्रॉस ओवर है उसके बारे में बातचीत की गई थी जहां पर पेरामोन्स के द्वारा बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर और जी आई जो फ्रेंचाइज उसके शायद क्रॉस ओवर हो सकते हैं सिक्वल के बारे में बताया गया था कि इस फिल्म के एक प्रॉपर नए इंस्टॉलमेंट के तौर पर तीन पार्ट्स आने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तौर पर रिलीज किया जाएगा जहां पे इस फिल्म के बाद और भी दो पार्ट्स आने वाले तो ये सक्सेसफुल तो फिल्म के के तो अभी तक उसके कोई तो नहीं हुई है लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर का पहला पार्ट था उसको अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदा हुआ है उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिलहाल में अवेलेबल है तो हो सकता है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाले समय में इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है और आसानी से दो तीन महीने तक तो ये फ़िल्म आसानी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आने वाले करीबन तीन चार महीने के बाद ही इस फिल्म को ओ टी टी पे रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अलग अलग ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया जाएगा उससे पहले भी इस फिल्म को अलग अलग तरीके से पेपर व्यू के हिसाब से कुछ इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा वैसे फ़िलहाल में थिएटर में चल रही है हिंदी तमिल तेलुगु इंग्लिश इन सभी वर्जन में अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को तो एक अच्छी फिल्म है इसे ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग वर्जन में फिल्म अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप थिएटर रिलीज मिस करते हो तो आने वाले समय में इस फिल्म को डेफिनेटली ओ टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा अलग अलग, अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंग्लिश तमिल तेलगू हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज अभी देखना चाहते हो तो थिएटर में इन्जॉय कर सकते हो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दे रही है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 के अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हास्ब्रो का जो किरदार है ट्रांसफॉर्मर का टॉयलाइन का तो उसके ऊपर हो के इस फिल्म के किरदार को, को तैयार किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 2007 से शुरू हुई ये सीरीज़ पहले जु तीन जुलाई 2007 को ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके बाद में 24 जून 2009 को ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन करके एक सेकंड पार्ट लाया गया वो भी काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ उसके दो सालों के बाद उनतीस जून दो को ट्रांसफॉर्मर ट्रार्क ऑफ द मून को रिलीज़ किया उसके तीन सालों के बाद सत्ताईस जून 2014 को ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सिस्टेंस को रिलीज़ किया था 21 जून 2017 को ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट को रिलीज़ किया हुआ था तो ये इस फिल्म के ओरिजिनल सीरीज़ के वर्जन थे उसके बाद में रिबूट फिल्म्स आई हुई थी इसके ऊपर जहाँ पे बम्बले बम्बल ब्ली करके 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ की हुई थी और फाइनली अब 9 जून 2023 को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द पीट्स को भी रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मर वन करके 13 सितंबर 2024 को इस फिल्म का एक और नया पार्ट आने वाला है जो अभी फिलहाल में प्रोडक्शन के ऊपर है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नल मेटियार और जोस पीटर्स एरिका होबियर जॉन होबेयर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पाँच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी बोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरादीन और डेंकेन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे स्काई डांस मीडिया हैजब्रो न्यू रिपब्लिक का पिक्चर्स डी आई पोनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारीना बेस एंडस में 27 मई 2023 को रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमंस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूमन्स ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहते तो ह्यूमस के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा डोमिनिक का फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलिस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलेज ने इस फिल्म में प्रीना डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो नो की मां का रोल है डीन स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइज का रोल प्ले किया है जो नो की यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से, से सफ़र कर रहा है वहीं पे पर टॉब के ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली ने इस फिल्म में एजेंट ब्योरके का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टिल्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एन डेवाइन ने इस फिल्म में भी शॉप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ओप्टीमस प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पालमेन ने ऑप्टिमस प्रिमल का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कॉर्च का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लीजा कोजी इसमें आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्ट्रेटोस्फ़ेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बेटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइट बर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नांडीज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन क्रिस सा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म के नॉन स्पीकिंग किरदार के ऊपर एक तो है बी और दूसरा है फ्रीजर तीसरा है स्कॉर्पनोक तो ये भी तीन किरदार है वो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट किरदार है जिसमें अलग अलग एक्टर्स ने अपना वॉइस ओवर अपनी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस एज ए ह्यूमन ट्रांसफार्मर के तौर पे दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत चल रही थी जहां पे प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जहां पे इसको प्रॉपर वे में हम बड़ा एक प्रॉपर फ्रेंचाइज के तौर पर रिलीज करेंगे जहाँ पे, पे बम्बली बीच जिस तरह से उस साल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे के प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जनवरी दो में पेराउंड पिक्चर्स ने रिपोर्टली बता था कि दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्म के ऊपर काम चल रहा है जिसको जेम्स वेटलेबिट और अनदर राइटर जिसका नाम है जो भी हेरोल्ड वो लिख रहे नवंबर में पता चला था कि स्टीवन केपल जूनियर को एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे चुका कास्ट के चूज किया हुआ है फरवरी 2021 में रिवील किया गया था कि ये फिल्म का टाइटल ट्रांसफॉर्मर बिस्ट एलाइंस होने वाला है जहां पे जिसमें बिस्ट वॉर के फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पची इसके बाद में वर्चुअल इवेंट रखा गया था जहाँ पे पेरामाउंट के द्वारा वो इवेंट हेल्ड किया गया था जून महीने में उसके बाद में इस फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल आया उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले जहाँ पे नाम मिला ट्रांसफर राइज ऑफ द बीट्स जहाँ पे वो रिविलिंग करता है बम्बे सिकवल के बारे में और बिस्ट वॉर के बारे में इसके अलावा बाद में कन्फर्म किया गया था कि मैक्मल्स और प्रेडाकॉन्स इसके साथ जुड़ने वाले जहाँ पे टेरेकॉन्स फिक्सन का एक नया टेक होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्सा ने वो पूरी तरह से टर्मिनेटर टू जजमेंट डे जो 1991 है उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म की जो कहानी है जो किरदार है वो ऑप्टिमस प्राइम प्रायर जो 2007 की फ़िल्म थी उससे हम इंस्पा इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे जहाँ पे बमली भी जो सेल्फ टाइटल फिल्म है वो किरदार भी इस फिल्म के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी जहाँ पे अलग अलग एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट को इस फिल्म के किरदारों के लिए लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सात जून 2021 को लॉस एंजलिस में स्टार्ट की गई थी शूटिंग को पेरू में रखा गया था उसके बाद में माचू पिचू कु तो, मार्टिन मॉन्ट्रियल और बुरकिन में शूट किया हुआ था अक्टूबर 2020 तक इस फिल्म का ऑफिशियली रेप अप करवाया गया था दो बीस 20 अक्टूबर 2021 तक फिल्म का पूरी तरह से रेपअप करवाने के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जहां पे इस फिल्म के वी के ऊपर और अल असीजी आई अलग अलग डिपार्टमेंट में इस फिल्म के साथ म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काम किया गया था जहां पे बैकग्राउंड स्कोर के लिए जोंगियर पौन टेम्स को चूज किया हुआ था जहाँ पे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया हुआ था और इस फिल्म के साथ इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था फिल्म को पूरी तरह से बाद में तैयार करवाया गया मार्केटिंग करवाई गई थी करीबन काफ़ी लंबी मार्केटिंग रही थी और उसके बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मारियन बेसेंट्स सिंगापुर में इस फिल्म को सत्ताईस मई दो को पहले प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा इंडिया ऐसे अलग अलग लोकेशंस में 9 जून 2023 को इस फिल्म को आई डॉल्बी सिनेमा फोर डी रियल आई डी फॉर्मेट में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को बाद में पोस्टपोन का, का, किया गया था पहले ये फिल्म करीबन चौबीस जून 2022 को आने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में 9 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था वैसे इस फिल्म के आने वाले समय में साउथ कोरिया में 6 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को बाईस जून दो हज़ार तेईस को रिलीज़ करने वाले अगस्त चार चार अगस्त दो हज़ार तेईस को इस फिल्म को जापान में भी रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में अलग अलग कंट्रीज़ में फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी अभी तक 16000 वोट मिले हुए जिसमें 6.6 की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म का एक प्रोडिक्शन लगाया गया था कि ये फिल्म कुछ इस काइंड ऑफ कलेक्शन करेगी उसके मुकाबले फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करके दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का पचास साठ मिलियन का कलेक्शन सोचा गया था ओपनिंग वीकेंड के ऊपर करीबन छत्तीस सौ तिहत्तर थिएटर में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था यूएस एस कैनेडा में जब रिलीज़ किया गया तब जो एक प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके मुकाबले फ़िल्म ने बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही दिन करीबन पच्चीस पॉइंट छः यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जिसमें एक वेनेसडे और थर्सडे के जो नाइट प्रिव्यू स्क्रीनिंग रखी गई थी जो कलेक्शन था आठ पॉइंट आठ यू मिलियन डॉलर वो भी इंक्लूड है जहाँ पे द लास्ट नाइट जो फिल्म आई थी जिसने 2017 में पाँच पॉइंट पाँच यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था बम्बली ने दो पॉइंट पिचासी यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन 2018 में किया हुआ था और इस फिल्म ने डेब्यू ही सिक्सटी पॉइंट फाइव यू मिलियन डॉलर किया हुआ था जहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस पे उसने टॉप किया जून दो हजार जून बारह जून दो तक इस फिल्म ने यानी कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स फिल्म ने करीबन सिक्सटी यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन यूएस कैनेडा से कवर किया वहीं पे 110 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन दूसरी अदर टेरीटेरी से कलेक्ट किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का तीन दिनों के अंदर ही करीबन एक सौ यूएस मिलियन डॉलर के आसपास निकला हुआ था और इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक वीकेंड हासिल किया और डेफिनेटली ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी हिट कहलाई और आने वाले समय में इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स आने वाले जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है पॉसिबल क्रॉस ओवर है उसके बारे में बातचीत की गई थी जहां पर पेराम के द्वारा बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर और जी आई जो फ्रेंचाइज उसके शायद क्रॉस ओवर हो सकते हैं सिक्वल के बारे में बताया गया था कि इस फिल्म के एक प्रॉपर नए इंस्टॉलमेंट के तौर पर तीन पार्ट्स आने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तौर पर रिलीज किया जाएगा जहां पे इस फिल्म के बाद और भी दो पार्ट्स आने वाले तो ये एक सक्सेसफुल तो फिल्म साबित तो तो हुई है लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर का पहला पार्ट था उसको अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदा हुआ है उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिलहाल में अवेलेबल है तो हो सकता है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाले समय में इस फिल्म को भी सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है और आसानी से दो तीन महीने तक तो ये फ़िल्म आसानी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आने वाली है करीबन तीन चार महीने के बाद ही इस फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में इस फिल्म को अलग अलग ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया जाएगा उससे पहले भी इस फिल्म को अलग अलग तरीके से पे पर व्यू के हिसाब से कुछ इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा वैसे फ़िलहाल में थिएटर में चल रही है हिंदी तमिल तेलुगु इंग्लिश इन सभी वर्जन में अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को तो एक अच्छी फिल्म है इसे ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग वर्जन में फ़िल्म अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप थिएटर रिलीज मिस करते हो तो आने वाले समय में इस फिल्म को डेफिनेटली ओ टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंग्लिश तमिल तेलगू हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज अभी देखना चाहते हो तो थिएटर में इन्जॉय कर सकते हो फिलहाल में फ़िल्म थिएटर में चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दे रही है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 के अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हास्ब्रो का जो किरदार है ट्रांसफॉर्मर का टॉय लाइन का तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो के इस फिल्म के किरदार को, को तैयार किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज के ऊपर बातचीत करें तो 2007 से शुरू हुई ये सीरीज़ पहले जो जु, तीन जुलाई 2007 को ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके बाद में चौबीस जून 2009 को ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन करके एक सेकंड पार्ट लाया गया वो भी काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ उसके दो सालों के बाद उनतीस जून दो को ट्रांसफार्मर ट्रार्क ऑफ द मून को रिलीज किया उसके तीन सालों के बाद सत्ताईस जून 2014 को ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सिस्टेंस को रिलीज़ किया था 21 जून 2017 को ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट को रिलीज़ किया हुआ था तो ये इस फिल्म के ओरिजिनल सीरीज़ के वर्जन थे उसके बाद में रिबूट फिल्म्स आई हुई थी इसके ऊपर जहाँ पे बम्बले बम्बल बली करके 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ की हुई थी और फाइनली अब 9 जून 2023 को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द पीट्स को भी रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मर वन करके तेरह सितंबर 2024 को इस फिल्म का एक और नया पार्ट आने वाला है जो अभी फिलहाल में प्रोडक्शन के ऊपर है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नेल मेटियार और जोस पीटर्स एरिका होबियर जॉन होबेयर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पांच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल्ड का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी पोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरादियन और डेंकेन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे स्काई डांस मीडिया हैजब्रो न्यू रिपब्लिक का पिक्चर्स डी आई पोनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारिना बे एंडस में 27 मई 2023 को रिलीज किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूमन्स ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहते तो ह्यूमस के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा डोमिनिक का फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलिस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलिस ने इस फिल्म में प्रीना डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो नो की मां का रोल है डीन स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइज का रोल प्ले किया है जो नो की यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से सफ़र कर रहा है वहीं पे टॉब विंग ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली ने इस फिल्म में एजेंट ब्योर्के का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टील्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एन डेवाइन ने इस फिल्म में बिशोप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ओप्टीमस प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पालमेन ने ऑप्टिमस प्रिमल का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कार्ज का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लीजा कोजी इसमें आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्ट्रेटोस्फ़ेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बैटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइटबर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नाडीज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन गाइ किरिसा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म के नॉन स्पीकिंग किरदार के ऊपर एक तो है बम्बली और दूसरा है फ्रीजर तीसरा है स्कॉर्पनोक तो ये भी तीन किरदार है वो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट किरदार है जिसमें अलग अलग एक्टर्स ने अपना वॉइस ओवर अपनी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस एज ए ह्यूमन ट्रांसफार्मर के तौर पे दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत चल रही थी जहां पे प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जहां पे इसको प्रॉपर वे में हम बड़ा एक प्रॉपर फ्रेंचाइज़ के तौर पर रिलीज़ करेंगे जहाँ पे, पे बम्बली बीच जिस तरह से उस साल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे के प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जनवरी दो में पेराउंड पिक्चर्स ने रिपोर्टली बता था कि दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्म के ऊपर काम चल रहा है जिसको जेम्स वेडलेबिट और अनदर राइटर जिसका नाम है जो भी हेरोल्ड वो लिख रहे नवंबर में पता चला था कि स्टीवन केपल जूनियर को एज अ डायरेक्टर के तौर पे चुका कास्ट के चूज किया हुआ है फरवरी 2021 में रिवील किया गया था कि ये फिल्म का टाइटल ट्रांसफॉर्मर बिस्ट एलाइंस होने वाला है जहां पे जिसमें बिस्ट वॉर के फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पची इसके बाद में वर्चुअल इवेंट रखा गया था जहाँ पे पेरामाउंट के द्वारा वो इवेंट हेल्ड किया गया था जून महीने में उसके बाद में इस फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल आया उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले जहाँ पे नाम मिला ट्रांसफर राइज ऑफ द पीट्स जहाँ पे वो रिविलिंग करता है बम्बल सिकवल के बारे में और बिस्ट वर्क के बारे में इसके अलावा बाद में कंफर्म किया गया था कि मैक्सिमल्स और प्रेडाकॉन्स इसके साथ जुड़ने वाले जहाँ पे टेरेकॉन्स फिक्शन का एक नया टेक होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्शन है वो पूरी तरह से टर्मिनेटर टू जजमेंट डे जो 1991 है उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म की जो कहानी है जो किरदार है वो ऑप्टिमस प्राइम प्रायर जो 2007 की फिल्म थी उससे हम इंस्पा इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे जहाँ पे बमली भी जो सेल्फ टाइटल फिल्म है वो किरदार भी इस फिल्म के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी जहाँ पे अलग अलग एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट को इस फिल्म के किरदारों के लिए लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सात जून 2021 को लॉस एंजलिस में स्टार्ट की गई थी शूटिंग को पेरू में रखा गया था उसके बाद में माचू पिचू कु मार्टिन मॉन्ट्रियल और बुरकिन में शूट किया हुआ था अक्टूबर 2020 तक इस फिल्म का ऑफिशियली रेप अप करवाया गया था दो बीस अक्टूबर 2021 तक फिल्म का पूरी तरह से अप करवाने के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जहां पे इस फिल्म के वी के ऊपर और अल असीजी आई अलग अलग डिपार्टमेंट में इस फिल्म के साथ म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काम किया गया था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के लिए जोंगियर पौनतेम्स को चूज किया हुआ था जहाँ पे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया हुआ था और इस फिल्म के साथ इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था फिल्म को पूरी तरह से बाद में तैयार करवाया गया मार्केटिंग करवाई गई थी करीबन काफ़ी लंबी मार्केटिंग रही थी और उसके बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मारियन बेसेंट सिंगापुर में इस फिल्म को सत्ताईस मई दो को पहले प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा इंडिया ऐसे अलग अलग लोकेशंस में 9 जून 2023 को इस फिल्म को आई डॉल्बी सिनेमा फोर डी एक्स रियल आई डी थ्री डी फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को बाद में पोस्टपोन का, का, किया गया था पहले ये फिल्म करीबन चौबीस जून 2022 को आने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में 9 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था वैसे इस फिल्म के आने वाले समय में साउथ कोरिया में 6 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को बाईस जून दो हज़ार तेईस को रिलीज़ करने वाले अगस्त चार चार अगस्त दो हज़ार तेईस को इस फिल्म को जापान में भी रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में अलग अलग कंट्रीज़ में फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी अभी तक सोलह हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म का एक प्रोडिक्शन लगाया गया था कि ये फिल्म कुछ इस काइंड ऑफ कलेक्शन करेगी उसके मुकाबले फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करके दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का पचास साठ मिलियन का कलेक्शन सोचा गया था ओपनिंग वीकेंड के ऊपर करीबन छत्तीस सौ थिएटर में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था यूएस कैनेडा में जब रिलीज़ किया गया तब जो ये एक प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके मुकाबले फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही दिन करीबन 25.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जिसमें एक वेनेसडे और थर्सडे के जो नाइट प्रीव्यू स्क्रीनिंग रखी गई थी जो कलेक्शन था 8.8 पॉइंट मिलियन डॉलर वो भी इंक्लूड है जहाँ पे द लास्ट नाइट जो फिल्म आई थी जिसने 2017 में 5.5 पॉइंट पाँच बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था बमली ने दो पॉइंट पिचासी मिलियन डॉलर का कलेक्शन 2018 में किया हुआ था और इस फिल्म ने डेब्यू ही सिक्सटी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर किया हुआ था जहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस पे उसने टॉप किया जून दो जून बारह जून दो तक इस फिल्म ने यानी कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ़ द बीट्स फिल्म ने करीबन 66.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन यूएस एस केनेडा से कवर किया वहीं पे 110 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन दूसरी अदर टेरीटेरी से कलेक्ट किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का तीन दिनों के अंदर ही करीबन एक सौ मिलियन डॉलर के आसपास निकला हुआ था और इसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक वीकेंड हासिल किया और डेफिनेटली ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट कहलाई और आने वाले समय में इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स आने वाले हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है पॉसिबल क्रॉस ओवर है उसके बारे में बातचीत की गई थी जहाँ पर पैराम्स के द्वारा बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर और जी आई जो फ्रेंचाइज उसके शायद क्रॉस ओवर हो सकते हैं सिक्वल के बारे में बताया गया था कि इस फिल्म के एक प्रॉपर नए इंस्टॉलमेंट के तौर पर तीन पार्ट्स आने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तौर पर रिलीज किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म के बाद और भी दो पार्ट्स आने वाले तो ये एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है तो लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर का पहला पार्ट था उसको अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदा हुआ है उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिलहाल में अवेलेबल है तो हो सकता है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाले समय में इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है और आसानी से दो तीन महीने तक तो ये फिल्म आसानी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आने वाली है करीबन तीन चार महीने के बाद ही इस फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अलग अलग ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया जाएगा उससे पहले भी इस फिल्म को अलग अलग तरीके से पेपर व्यू के हिसाब से कुछ इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा वैसे फ़िलहाल में थिएटर में चल रही है हिंदी तमिल तेलुगु इंग्लिश इन सभी वर्जन में अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को तो एक अच्छी फिल्म है इसे ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग वर्ज़न में फिल्म अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप थिएटर रिलीज़ मिस करते हो तो आने वाले समय में इस फिल्म को डेफिनेटली ओ टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंग्लिश तमिल तेलगू हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज़ अभी देखना चाहते हो तो थिएटर में इन्जॉय कर सकते हो फिलहाल में फ़िल्म थिएटर में चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दे रही है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 के अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हास्ब्रो का जो किरदार है ट्रांसफॉर्मर का टॉयलाइन का तो उसके ऊपर हो होकर इस फिल्म के किरदार को, को तैयार किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 2007 से शुरू हुई ये सीरीज़ पहले जु तीन जुलाई 2007 को ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके बाद में चौबीस जून 2009 को ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन करके एक सेकंड पार्ट लाया गया वो भी काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ उसके दो सालों के बाद उनतीस जून दो को ट्रांसफार्मर ट्रार्क ऑफ द मून को रिलीज़ किया उसके तीन सालों के बाद सत्ताईस जून 2014 को ट्रांसफार्मर एज ऑफ एक्सिस्टेंस को रिलीज़ किया था 21 जून 2017 को ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट को रिलीज़ किया हुआ था तो ये इस फिल्म के ओरिजिनल सीरीज़ के वर्जन थे उसके बाद में रिबूट फिल्म्स आई हुई थी इसके ऊपर जहाँ पे बम्बले बम्बल बली करके 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ की हुई थी और फाइनली अब 9 जून 2023 को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द पीट्स को भी रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मर वन करके 13 सितंबर 2024 को इस फिल्म का एक और नया पार्ट आने वाला है जो अभी फिलहाल में प्रोडक्शन के ऊपर है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नल मेटियार और जोस पीटर्स एरिक होबियर जॉन होबेयर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पाँच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल्ड का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी पोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरादियन और डेंकन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे स्काई डांस मीडिया हैजब्रो न्यू रिपब्लिक का पिक्चर्स डी आई पोनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारीना बे एंडस में 27 मई 2023 को रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमंस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूम ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहते तो ह्यूमस के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा अलावा डोमिनिक फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलिस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलेज ने इस फिल्म में प्रीना डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो नो की मां का रोल है डीन स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइज का रोल प्ले किया है जो नो की यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से सफर कर रहा है वहीं पे टॉब के ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली ने इस फिल्म में एजेंट ब्योरके का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टील्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एंड डे ने इस फिल्म में बिशोप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ओप्टीमस प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पार्लमेन ने ऑप्टिमस प्रिमल का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कॉर्च का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लीजा कोजी में आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बैटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइटबर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नांडीज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन िसा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म के नॉन स्पीकिंग किरदार के ऊपर एक तो है बम्बली और दूसरा है फ्रीजर तीसरा है स्कॉर्पनोक तो ये भी तीन किरदारे वो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट किरदार है जिसमें अलग अलग एक्टर्स ने अपना वॉइस ओवर अपनी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस एज ए ह्यूमन ट्रांसफार्मर के तौर पे दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत चल रही थी जहां पे प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जहां पे इसको प्रॉपर वे में हम बड़ा एक प्रॉपर फ्रेंचाइज के तौर पर रिलीज करेंगे जहाँ पे, पे बम्बली बीच जिस तरह से उस साल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे के प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जनवरी दो में पेराउंड पिक्चर्स ने रिपोर्टली था कि दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्म के ऊपर काम चल रहा है जिसको जेम्स वेडलेबिट और अनदर राइटर जिसका नाम है जो भी हेरोल्ड वो लिख रहे नवंबर में पता चला था कि स्टीवन केपल जूनियर को एज अ डायरेक्टर के तौर पे पर कास्ट के चूज किया हुआ है फरवरी 2021 में रिवील किया गया था कि ये फिल्म का टाइटल ट्रांसफॉर्मर बिस्ट एलाइंस होने वाला है जहां पे जिसमें बिस्ट वॉर के फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पची इसके बाद में वर्चुअल इवेंट रखा गया था जहाँ पे पेरामाउंट के द्वारा वो इवेंट हेल्ड किया गया था जून महीने में उसके बाद में इस फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल आया उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले जहाँ पे नाम मिला ट्रांसफर राइज ऑफ द बीट्स जहाँ पे वो रिविलिंग करता है बम्बल सिकवल के बारे में और बिस्ट वर्क के बारे में इसके अलावा बाद में कंफर्म किया गया था कि मैक्सिमल्स और प्रेडाकॉन्स इसके साथ जुड़ने वाले जहाँ पे टेरेकॉन्स फिक्शन का एक नया टेक होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्सा ने वो पूरी तरह से टर्मिनेटर टू जजमेंट डे जो 1991 है उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म की जो कहानी है जो किरदार है वो ऑप्टिमस प्राइम प्रायर जो 2007 की फ़िल्म थी उससे हम इंस्पा इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे जहाँ पे बमली भी जो सेल्फ टाइटल फिल्म है वो किरदार भी इस फिल्म के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी जहाँ पर अलग अलग एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट को इस फिल्म के किरदारों के लिए लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सात जून 2021 को लॉस एंजलिस में स्टार्ट की गई थी शूटिंग को पेरू में रखा गया था उसके बाद में माचू पिचू कु तो, मार्टिन मॉन्ट्रियल और बुरकलिन में शूट किया हुआ था अक्टूबर 2020 तक इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप करवाया गया था 20 दो बीस अक्टूबर 2021 तक फिल्म को पूरी तरह से अप करवाने के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जहां पे इस फिल्म के वी के ऊपर और अलग सी जी आई अलग अलग डिपार्टमेंट में इस फिल्म के साथ म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काम किया गया था जहां पे बैकग्राउंड स्कोर के लिए जोंगियर पॉन्थेम्स को चूज़ किया हुआ था जहाँ पे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग आ, फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया हुआ था और इस फिल्म के साथ इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था फिल्म को पूरी तरह से बाद में तैयार करवाया गया मार्केटिंग करवाई गई थी करीबन काफ़ी लंबी मार्केटिंग रही थी और उसके बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मारियन बेसेंट सिंगापुर में इस फिल्म को सत्ताईस मई दो को पहले प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा इंडिया ऐसे अलग अलग लोकेशंस में 9 जून 2023 को इस फिल्म को आई डॉल्बी सिनेमा फोर एक्स रियल आई डी थ्री डी फॉर्मेट में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को बाद में पोस्टपोन का, का, किया गया था पहले ये फिल्म करीबन चौबीस जून 2022 को आने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में 9 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था वैसे इस फिल्म के आने वाले समय में साउथ कोरिया में 6 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को बाईस जून दो हज़ार तेईस को रिलीज़ करने वाले अगस्त चार चार अगस्त दो हज़ार तेईस को इस फिल्म को जापान में भी रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में अलग अलग कंट्रीज़ में फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पी अभी तक 16000 वोट मिले हुए हैं जिसमें 6.6 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहां पे इस फिल्म का एक प्रोडिक्शन लगाया गया था कि ये फिल्म कुछ इस काइंड ऑफ कलेक्शन करेगी उसके मुकाबले फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करके दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का पचास साठ मिलियन का कलेक्शन सोचा गया था ओपनिंग वीकेंड के ऊपर करीबन छत्तीस सौ थिएटर में को रिलीज किया हुआ था यूएस कैनेडा में जब रिलीज किया गया तब जो एक प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके मुकाबले फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही दिन करीबन 25.6 पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जिसमें एक वेनसडे और थर्सडे के जो नाइट प्रिव्यू स्क्रीनिंग रखी गई थी जो कलेक्शन था आठ पॉइंट यूएस मिलियन डॉलर वो भी इंक्लूड है जहाँ पे द लास्ट नाइट जो फिल्म आई थी जिसने 2017 में पाँच पॉइंट पाँच यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था बम्बली ने दो पॉइंट पिचासी यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन 2018 में किया हुआ था और इस फिल्म ने डेब्यू ही सिक्सटी पॉइंट फाइव यू मिलियन डॉलर किया हुआ था जहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस पे उसने टॉप किया जून दो जून बारह जून 2023 तक इस फिल्म ने यानी कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स फिल्म ने करीबन 66.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन यूएस एस कैनेडा से कवर किया वहीं पे 110 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन दूसरी अदर टेरिटरी से कलेक्ट किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का तीन दिनों के अंदर ही करीबन एक यूएस मिलियन डॉलर के आसपास निकला हुआ था और इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक वीकेंड हासिल किया और डेफिनेटली ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी हिट खेलाई और आने वाले समय में इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स आने वाले हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है पॉसिबल क्रॉस ओवर है उसके बारे में बातचीत की गई थी जहां पर पेराम के द्वारा बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर और जी जो फ्रेंचाइज है उसके शायद क्रॉस ओवर हो सकते हैं सिक्वल के बारे में बताया गया था कि इस फिल्म के एक प्रॉपर नए इंस्टॉलमेंट के तौर पर तीन पार्ट्स आने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तौर पर रिलीज किया जाएगा जहां पे इस फिल्म के बाद और भी दो पार्ट्स आने वाले तो ये एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है तो लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर का पहला पार्ट था उसको अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदा हुआ है उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिलहाल में अवेलेबल है तो हो सकता है अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाले समय में इस फिल्म को विश टाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है और आसानी से दो तीन महीने तक तो ये फ़िल्म आसानी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आने वाली है करीबन तीन चार महीने के बाद ही इस फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में इस फिल्म को अलग अलग ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया जाएगा उससे पहले भी इस फिल्म को अलग अलग तरीके से आ, पे पर व्यू के हिसाब से कुछ इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा वैसे फ़िलहाल में थिएटर में चल रही है हिंदी तमिल तेलुगु इंग्लिश इन सभी वर्जन में अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को तो एक अच्छी फिल्म है इसे ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग वर्जन में फिल्म अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप थिएटर रिलीज मिस करते हो तो आने वाले समय में इस फिल्म को डेफिनेटली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेज में इंग्लिश तमिल तेलगू हिंदी जैसी लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज अभी देखना चाहते हो तो थिएटर में एंजॉय कर सकते हो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दे रही है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नल मेटियार और जोस पीटर्स एरिक होबियर जॉन होबेयर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पांच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल्ड का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी पोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरा और डेंकेन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे स्काई डांस मीडिया हैजब्रो न्यू रिपब्लिक का पिक्चर्स डी आई पोनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारिना बेस एंडस में 27 मई 2023 को रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमंस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूमन्स ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहते तो ह्यूमस के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा डोमिनिक फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलेस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलेज ने इस फिल्म में प्रीना डाइज का रोल प्ले किया है जो नो की मां का रोल है डीन स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइज का रोल प्ले किया है जो नो की यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से सफ़र कर रहा है वहीं पर टॉब के ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली ने इस फिल्म में एजेंट ब्योरके का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टिल्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एन डेवाइन ने इस फिल्म में भी शॉप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ओप्टीमस प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पारमेन ने ऑप्टिमस पा का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कार्ज का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लीजा कोजी में आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्टेटोसफेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बैटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइटबर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नाडीज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन क्रिस ्रिसा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 के अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हास्ब्रो का जो किरदार है ट्रांसफॉर्मर का लाइन का तो उसके ऊपर इन्फ्लुंस होकर इस फिल्म के किरदार को तैयार किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 2007 से शुरू हुई ये सीरीज़ पहले जो जु, तीन जुलाई 2007 को ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके बाद में चौबीस जून 2009 को ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन करके एक सेकंड पार्ट लाया गया वो भी काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ उसके दो सालों के बाद उनतीस जून दो को ट्रांसफॉर्मर ट्रार ऑफ द मून को रिलीज़ किया उसके तीन सालों के बाद सत्ताईस जून 2014 को ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सिस्टेंस को रिलीज़ किया था 21 जून 2017 को ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट को रिलीज़ किया हुआ था तो ये इस फिल्म के ओरिजिनल सीरीज़ के वर्जन थे उसके बाद में रिबूट फिल्म्स आई हुई थी इसके ऊपर जहाँ पे बम्बल बंबल बम्बल बली करके 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ की हुई थी और फाइनली अब 9 जून 2023 को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द पीट्स को भी रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मर वन करके 13 सितंबर 2024 को इस फिल्म का एक और नया पार्ट आने वाला है जो अभी फिलहाल में प्रोडक्शन के ऊपर है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नल मेटियार और जोस पीटर्स एरिका होबियर जॉन हॉबेर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पांच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल्ड का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी पोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरा और डेंकेन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे स्काई डांस मीडिया हैजब्रो न्यू रिपब्लिक का पिक्चर्स डी आई पोनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारीना बे एंड्स में 27 मई 2023 को रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूमन्स ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहे थे तो ह्यूमन्स के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा डोमिनिक का फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलिस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलेज ने इस फिल्म में प्रीना डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो नो की मां का रोल है डीन स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइज का रोल प्ले किया है जो नो की यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से, से सफ़र कर रहा है वहीं पे टॉब के ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली ने इस फिल्म में एजेंट ब्योरके का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टील्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एंड डेवाइन ने इस फिल्म में बिशोप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ओप्टीमस प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पारमेन ने ऑप्टिमस प्रिमल का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कॉर्च का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लीजा कोजी में आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्ट्रेटोस्फ़ेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बैटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइटबर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नांडीज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन क्रिस िसा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिन कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म के नॉन स्पीकिंग किरदार के ऊपर एक तो है बम्बली बी और दूसरा है फ्रीजर तीसरा है स्कॉर्पनोक तो ये भी तीन किरदारे वो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट किरदार है जिसमें अलग अलग एक्टर्स ने अपना वॉइस ओवर अपनी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस एज़ ए ह्यूमन ट्रांसफार्मर के तौर पे दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत चल रही थी जहां पे प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जहां पे इसको प्रॉपर वे में हम बड़ा एक प्रॉपर फ्रेंचाइज के तौर पर रिलीज करेंगे जहाँ पे बम्बली बीच जिस तरह से उस साल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे के प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जनवरी दो में पेराउंड पिक्चर्स ने रिपोर्टली था कि दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्म के ऊपर काम चल रहा है जिसको जेम्स वेडलेबिट और अनदर राइटर जिसका नाम है जो भी हेरोल्ड वो लिख रहे नवंबर में पता चला था कि स्टीवन केपल जूनियर को एज अ डायरेक्टर के तौर पे चुका कास्ट के चूज किया हुआ है फरवरी 2021 में रिवील किया गया था कि ये फिल्म का टाइटल ट्रांसफॉर्मर बिस्ट एलाइंस होने वाला है जहां पे जिसमें बिस्ट वॉर के फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पची इसके बाद में वर्चुअल इवेंट रखा गया था जहाँ पे पेराउंट के द्वारा वो इवेंट हेल्ड किया गया था जून महीने में उसके बाद में इस फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल आया उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले जहाँ पे नाम मिला ट्रांसफर राइज ऑफ द बीट्स जहाँ पे वो रिविलिंग करता है बम्बेल सिकवल के बारे में और बिस्ट वॉर के बारे में इसके अलावा बाद में कंफर्म किया गया था कि मैक्सिमल्स और प्रेडाकॉन्स इसके साथ जुड़ने वाले जहाँ पे टेरेकॉन्स फिक्शन का एक नया टेक होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्सा है वो पूरी तरह से टर्मिनेटर टू जजमेंट डे जो 1991 है उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म की जो कहानी है जो किरदार है वो ऑप्टिमस प्राइम प्रायर जो 2007 की फिल्म थी उससे हम इंस्पा इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे जहाँ पे बमली भी जो सेल्फ टाइटल फिल्म है वो किरदार भी इस फिल्म के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी जहाँ पे अलग अलग एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट को इस फिल्म के किरदारों के लिए लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सात जून 2021 को लॉस एंजलिस में स्टार्ट की गई थी शूटिंग को पेरू में रखा गया था उसके बाद में माचू पिचू कु तो, मार्टिन मॉन्ट्रियल और बुरकिन में शूट किया हुआ था अक्टूबर 2020 तक इस फिल्म का ऑफिशियली रेप अप करवाया गया था दो बीस 20 अक्टूबर 2021 तक फिल्म का पूरी तरह से रेपअप करवाने के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जहां पे इस फिल्म के वी के ऊपर और अलसी जी आई अलग अलग डिपार्टमेंट में इस फिल्म के साथ म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काम किया गया था जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर के लिए जोंगियर पौन टेम्स को चूज किया हुआ था जहाँ पे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया हुआ था और इस फिल्म के साथ इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था फिल्म को पूरी तरह से बाद में तैयार करवाया गया मार्केटिंग करवाई गई थी करीबन काफ़ी लंबी मार्केटिंग रही थी और उसके बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मारियन बे बेसेंट सिंगापुर में इस फिल्म को सत्ताईस मई दो को पहले प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा इंडिया ऐसे अलग अलग लोकेशंस में 9 जून 2023 को इस फिल्म को आई डॉल्बी सिनेमा फोर डी एक्स रियल आई डी थ्री फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को बाद में पोस्टपोन का, का किया गया था पहले ये फिल्म करीबन चौबीस जून 2022 को आने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में 9 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था वैसे इस फिल्म के आने वाले समय में साउथ कोरिया में 6 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को बाईस जून 2023 को रिलीज़ करने वाले अगस्त चार चार अगस्त 2023 को इस फिल्म को जापान में भी रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में अलग अलग कंट्रीज़ में फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी अभी तक 16000 वोट मिले हुए जिसमें 6.6 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहाँ पे इस फिल्म का एक प्रोडिक्शन लगाया गया था कि ये फिल्म कुछ इस काइंड ऑफ कलेक्शन करेगी उसके मुकाबले फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करके दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का पचास साठ मिलियन का कलेक्शन सोचा गया था ओपनिंग वीकेंड के ऊपर करीबन छत्तीस सौ तिहत्तर थिएटर में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था यूएस कैनेडा में जब रिलीज़ किया गया तब जो एक प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके मुकाबले फ़िल्म ने बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही दिन करीबन पच्चीस पॉइंट छः यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जिसमें एक वेनेसडे और थर्सडे के जो नाइट प्रीव्यू स्क्रीनिंग रखी गई थी जो कलेक्शन था आठ पॉइंट आठ यू मिलियन डॉलर वो भी इंक्लूड है जहाँ पे द लास्ट नाइट जो फिल्म आई थी जिसने 2017 में पाँच पॉइंट पाँच यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था बमली ने दो पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन दो में किया हुआ था और इस फिल्म ने डेब्यू ही सिक्सटी पॉइंट फाइव यू मिलियन डॉलर किया हुआ था जहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस पे उसने टॉप किया जून दो जून बारह जून दो तक इस फिल्म ने यानी कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ़ द बीट्स फिल्म ने करीबन 66.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन यूएस एस कैनेडा से कवर किया वहीं पे 110 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन दूसरी अदर टेरिटरी से कलेक्ट किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का तीन दिनों के अंदर ही करीबन एक सौ मिलियन डॉलर के आसपास निकला हुआ था और इसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक वीकेंड हासिल किया और डेफिनेटली ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट कहलाई और आने वाले समय में इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स आने वाले हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है पॉसिबल क्रॉस ओवर है उसके बारे में बातचीत की गई थी जहाँ पर पे पैराम्स के द्वारा बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर और जी आई जो फ्रेंचाइज उसके शायद क्रॉस ओवर हो सकते हैं सिक्वल के बारे में बताया गया था कि इस फिल्म के एक प्रॉपर नए इंस्टॉलमेंट के तौर पर तीन पार्ट्स आने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तौर पर रिलीज किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म के बाद और भी दो पार्ट्स आने वाले तो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है तो आने वाले समय में इस सीरीज में और भी कई फिल्में देखने को मिलेगी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी सेटेलाइट के ऊपर तो अभी तक उसके ऊपर कोई डिसक्लोसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन जो ट्रांसफॉमर का पहला पार्ट था उसको अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने ख़रीदा हुआ है उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिलहाल में अवेलेबल है तो हो सकता है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाले समय में इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ये फिल्म थिएटर में चल रही है और आसानी से दो तीन महीने तक तो ये फ़िल्म आसानी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आने वाली है करीबन तीन चार महीने के बाद ही इस फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अलग अलग ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया जाएगा उससे पहले भी इस फिल्म को अलग अलग तरीके से पे पर व्यू के हिसाब से कुछ इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा वैसे फ़िलहाल में थिएटर में चल रही है हिंदी तमिल तेलुगु इंग्लिश इन सभी वर्जन में अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को तो एक अच्छी फिल्म है इसे ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग वर्जन में फ़िल्म अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप थिएटर रिलीज मिस करते हो तो आने वाले समय में इस फिल्म को डेफिनेटली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंग्लिश तमिल तेलगू हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज अभी देखना चाहते हो तो थिएटर में इन्जॉय कर सकते हो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दे रही है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 के अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हास्ब्रो का जो किरदार है ट्रांसफॉर्मर का टॉय लाइन का तो उसके ऊपर इंफ्लुंस होकर इस फिल्म के किरदार को, को तैयार किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 2007 से शुरू हुई ये सीरीज़ पहले जो जु, तीन जुलाई 2007 को ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके बाद में चौबीस जून 2009 को ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन करके एक सेकंड पार्ट लाया गया वो भी काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ उसके दो सालों के बाद उनतीस जून दो को ट्रांसफॉर्मर ट्रार्क ऑफ द मून को रिलीज़ किया उसके तीन सालों के बाद सत्ताईस जून 2014 को ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सिस्टेंस को रिलीज़ किया था 21 जून 2017 को ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट को रिलीज़ किया हुआ था तो ये इस फिल्म के ओरिजिनल सीरीज़ के वर्जन थे उसके बाद में रिबूट फिल्म्स आई हुई थी इसके ऊपर जहाँ पे बम्बल बंबल बम्बल बली करके 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ की हुई थी और फाइनली अब 9 जून 2023 को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द पीट्स को भी रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मर वन करके 13 सितंबर 2024 को इस फिल्म का एक और नया पार्ट आने वाला है जो अभी फिलहाल में प्रोडक्शन के ऊपर है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नल मेटियार और जोस पीटर्स एरिका होबियर जॉन होबेयर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पांच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल्ड का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी पोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरा और डेंकेन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे स्काई डांस मीडिया हैजब्रो न्यू रिपब्लिक का पिक्चर्स डी आई पोनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारीना बे एंड्स में 27 मई 2023 को रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमंस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूम ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहते तो ह्यूमन्स के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा अलावा डोमिनिक फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलिस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलेज ने इस फिल्म में प्रीना डाइज का रोल प्ले किया है जो नो की मां का रोल है डीन स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइज का रोल प्ले किया है जो नो की यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से सफर कर रहा है वहीं पे टॉब के ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली ने इस फिल्म में एजेंट ब्योरके uh, का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टिल्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एंड डेवाइन ने इस फिल्म में बिशोप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ओप्टीमास प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पारमेन ने ऑप्टिमस पा का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कॉर्च का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लीजा कोजी में आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्टेटोसफेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बेटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइटबर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नाडीज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन क्रिस िसा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म के नॉन स्पीकिंग किरदार के ऊपर एक तो है बी और दूसरा है फ्रीजर तीसरा है स्कॉर्पनोक तो ये भी तीन किरदारे वो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट किरदार है जिसमें अलग अलग एक्टर्स ने अपना वॉइस ओवर अपनी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस एज़ ए ह्यूमन ट्रांसफार्मर के तौर पे दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत चल रही थी जहां पे प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जहां पे इसको प्रॉपर वे में हम बड़ा एक प्रॉपर फ्रेंचाइज के तौर पर रिलीज करेंगे जहाँ पे बम्बली बीच जिस तरह से उस साल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे के प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जनवरी दो में पेराउंड पिक्चर्स ने रिपोर्टली था कि दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्म के ऊपर काम चल रहा है जिसको जेम्स वेटलेबिट और अनदर राइटर जिसका नाम है जो भी हेरोल्ड वो लिख रहे नवंबर में पता चला था कि स्टीवन केपल जूनियर को एज अ डायरेक्टर के तौर पे चुका कास्ट के चूज किया हुआ है फरवरी 2021 में रिवील किया गया था कि ये फिल्म का टाइटल ट्रांसफॉर्मर बिस्ट एलाइंस होने वाला है जहां पे जिसमें बिस्ट वॉर के फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पची इसके बाद में वर्चुअल इवेंट रखा गया था जहाँ पे पेरामाउंट के द्वारा वो इवेंट हेल्ड किया गया था जून महीने में उसके बाद में इस फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल आया उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले जहाँ पे नाम मिला ट्रांसफर राइज ऑफ द पीट्स जहाँ पे वो रिविलिंग करता है बम्बल सिकवल के बारे में और बिस्ट वर्क के बारे में इसके अलावा बाद में कंफर्म किया गया था कि मैक्सिमल्स और प्रेडाकॉन्स इसके साथ जुड़ने वाले जहाँ पे टेरेकॉन्स फिक्शन का एक नया टेक होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्सन है वो पूरी तरह से टर्मिनेटर टू जजमेंट डे जो 1991 है उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म की जो कहानी है जो किरदार है वो ऑप्टिमस प्राइम प्रायर जो 2007 की फ़िल्म थी उससे हम इंस्पा इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे जहाँ पे बमली भी जो सेल्फ टाइटल फिल्म है वो किरदार भी इस फिल्म के साथ जुड़ता हुआ नज़र आएगा उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी जहाँ पर अलग अलग एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट को इस फिल्म के किरदारों के लिए लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सात जून 2021 को लॉस एंजलिस में स्टार्ट की गई थी शूटिंग को पेरू में रखा गया था उसके बाद में माचू पिचू तो, सेंट मार्टिन मॉन्ट्रियल और बुरकलिन में शूट किया हुआ था अक्टूबर 2020 तक इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप करवाया गया था 20 दो बीस अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस तक फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाने के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जहां पे इस फिल्म के वी के ऊपर और सी जी आई अलग अलग डिपार्टमेंट में इस फिल्म के साथ म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काम किया गया था जहां पे बैकग्राउंड स्कोर के लिए जोंगियर पोन्म्स को चूज़ किया हुआ था जहाँ पे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग आ, फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया हुआ था और इस फिल्म के साथ इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था फिल्म को पूरी तरह से बाद में तैयार करवाया गया मार्केटिंग करवाई गई थी करीबन काफ़ी लंबी मार्केटिंग रही थी और उसके बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मारियन बेसेंट सिंगापुर में इस फिल्म को सत्ताईस मई दो को पहले प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा इंडिया ऐसे अलग अलग लोकेशंस में 9 जून 2023 को इस फिल्म को आई एम एक्स सिनेमा फोर रियल आई डी थ्री फॉर्मेट में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को बाद में पोस्टपोन का, का, किया गया था पहले ये फिल्म करीबन चौबीस जून 2022 को आने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में 9 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था वैसे इस फिल्म के आने वाले समय में साउथ कोरिया में 6 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को बाईस जून दो हज़ार तेईस को रिलीज़ करने वाले अगस्त चार चार अगस्त दो हज़ार तेईस को इस फिल्म को जापान में भी रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में अलग अलग कंट्रीज़ में फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते एम डी पी अभी तक 16000 वोट मिले हुए हैं जिसमें 6.6 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहां पे इस फिल्म का एक प्रेडिक्शन लगाया गया था कि ये फिल्म कुछ इस काइंड ऑफ कलेक्शन करेगी उसके मुकाबले फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करके दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का पचास साठ मिलियन का कलेक्शन सोचा गया था ओपनिंग वीकेंड के ऊपर करीबन छत्तीस सौ तिहत्तर थिएटर में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था यूएस कैनेडा में जब रिलीज किया गया तब जो एक प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके मुकाबले फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही दिन करीबन 25.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जिसमें एक वेनजे और थर्सडे के जो नाइट प्रीव्यू स्क्रीनिंग रखी गई थी जो कलेक्शन था आठ पॉइंट मिलियन डॉलर वो भी इंक्लूड है जहाँ पे द लास्ट नाइट जो फिल्म आई थी जिसने 2017 में पाँच पॉइंट पाँच यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था बम्बली ने दो पॉइंट पिचासी यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन 2018 में किया हुआ था और इस फिल्म ने डेब्यू ही सिक्सटी पॉइंट फाइव यू मिलियन डॉलर किया हुआ था जहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस पे उसने टॉप किया जून दो हज़ार जून बारह जून दो तक इस फिल्म ने यानी कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ़ द बीट्स फिल्म ने करीबन सिक्सटी यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन यूएस एस कैनेडा से कवर किया वहीं पे 110 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन दूसरी अदर टेरिटरी से कलेक्ट किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का तीन दिनों के अंदर ही करीबन एक सौ मिलियन डॉलर के आसपास निकला हुआ था और इसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक वीकेंड हासिल किया और डेफिनेटली ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट कहलाई और आने वाले समय में इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स आने वाले जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है पॉसिबल क्रॉस है उसके बारे में बातचीत की गई थी जहाँ पर पैराम्स के द्वारा बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर और जी जो फ्रेंचाइज है उसके शायद क्रॉस हो सकते हैं सिक्वल के बारे में बताया गया था कि इस फिल्म के एक प्रॉपर नए इंस्टॉलमेंट के तौर पर तीन पार्ट्स आने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तौर पे रिलीज किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म के बाद और भी दो पार्ट्स आने वाले तो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है तो आने वाले समय में इस सीरीज में और भी कई फिल्में देखने को मिलेगी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी सेटेलाइट के ऊपर तो अभी तक उसके ऊपर कोई डिसक्लोसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर का पहला पार्ट था उसको अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने ख़रीदा हुआ है उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिलहाल में अवेलेबल है तो हो सकता है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाले समय में इस फिल्म को भी इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ये फिल्म थिएटर में चल रही है और आसानी से दो तीन महीने तक तो ये फ़िल्म आसानी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आने वाली है करीबन तीन चार महीने के बाद ही इस फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में इस फिल्म को अलग अलग ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया जाएगा उससे पहले भी इस फिल्म को अलग अलग तरीके से पे पर व्यू के हिसाब से कुछ इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा वैसे फ़िलहाल में थिएटर में चल रही है हिंदी तमिल तेलुगु इंग्लिश इन सभी वर्जन में अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को तो एक अच्छी फिल्म है इसे ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग वर्जन में फ़िल्म अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप थिएटर रिलीज मिस करते हो तो आने वाले समय में इस फिल्म को डेफिनेटली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंग्लिश तमिल तेलुगु हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज अभी देखना चाहते हो तो थिएटर में इन्जॉय कर सकते हो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दे रही है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 के अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हास्ब्रो का जो किरदार है ट्रांसफॉर्मर का टॉय लाइन का तो उसके ऊपर इंफ्लेंस होकर इस फिल्म को के किरदार को तैयार किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 2007 से शुरू हुई ये सीरीज़ पहले जो जु, तीन जुलाई 2007 को ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके बाद में चौबीस जून 2009 को ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन करके एक सेकंड पार्ट लाया गया वो भी काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ उसके दो सालों के बाद उनतीस जून दो को ट्रांसफॉर्मर ट्रार्क ऑफ द मून को रिलीज़ किया उसके तीन सालों के बाद सत्ताईस जून 2014 को ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सिस्टेंस को रिलीज़ किया था 21 जून 2017 को ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट को रिलीज़ किया हुआ था तो ये इस फिल्म के ओरिजिनल सीरीज़ के वर्जन थे उसके बाद में रिबूट फिल्म्स आई हुई थी इसके ऊपर जहाँ पे बम्बल बंबल बम्बल बली करके 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ की हुई थी और फाइनली अब 9 जून 2023 को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द पीट्स को भी रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मर वन करके तेरह सितंबर 2024 को इस फिल्म का एक और नया पार्ट आने वाला है जो अभी फिलहाल में प्रोडक्शन के ऊपर है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नेल मेटियर और जोस पीटर्स एरिका होबियर जॉन होबेयर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पांच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल्ड का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी पोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरादियन और डेंकेन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे स्काई डांस मीडिया हैजब्रो न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स डी आई पॉनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारीना बे एंडस में 27 मई 2023 को रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमंस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूम ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहते तो ह्यूमस के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा डोमिनिक का फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलिस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलेज ने इस फिल्म में प्रीना डाइज का रोल प्ले किया है जो नो की मां का रोल है डीन स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइज का रोल प्ले किया है जो नो के यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से सफ़र कर रहा है वहीं पे पर टॉब के ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली ने इस फिल्म में एजेंट ब्योर्के का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टिल्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एन डेवाइन ने इस फिल्म में बिशोप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ओप्टीमस प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पारमेन ने ओप्टीमास प्रिमल का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कार्ज का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लीजा कोजी में आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्ट्रेटोस्फ़ेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बैटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइट बर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नाडिज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन क्रिस क्रिसा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म के नॉन स्पीकिंग किरदार के ऊपर एक तो है बी और दूसरा है फ्रीजर तीसरा है स्कॉर्पनोक तो ये भी तीन किरदारे वो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट किरदार है जिसमें अलग अलग एक्टर्स ने अपना वॉइस ओवर अपनी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस एज़ ए ह्यूमन ट्रांसफार्मर के तौर पे दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत चल रही थी जहां पे प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जहां पे इसको प्रॉपर वे में हम बड़ा एक प्रॉपर फ्रेंचाइज के तौर पर रिलीज़ करेंगे जहाँ पे, पे बम्बली बीच जिस तरह से उस साल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे के प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जनवरी दो में पेराउंड पिक्चर्स ने रिपोर्टली था कि दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्म के ऊपर काम चल रहा है जिसको जेम्स वेटलेबिट और अनदर राइटर जिसका नाम है जो भी हेरोल्ड वो लिख रहे नवंबर में पता चला था कि स्टीवन केपल जूनियर को एज अ डायरेक्टर के तौर पे का कास्ट के चूज किया हुआ है फरवरी 2021 में रिवील किया गया था कि ये फिल्म का टाइटल ट्रांसफॉर्मर बिस्ट एलाइंस होने वाला है जहां पे जिसमें बिस्ट वॉर के फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पची इसके बाद में वर्चुअल इवेंट रखा गया था जहाँ पे पेराउंट के द्वारा वो इवेंट हेल्ड किया गया था जून महीने में उसके बाद में इस फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल आया उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले जहाँ पे नाम मिला ट्रांसफर राइज ऑफ द पीट्स जहाँ पे वो रिविलिंग करता है बम्बे सिकवल्थ के बारे में और बीस्ट वॉर के बारे में इसके अलावा बाद में कंफर्म किया गया था कि मैक्सिमल्स और प्रेडाकॉन्स इसके साथ जुड़ने वाले जहाँ पे टेरेकॉन्स फिक्शन का एक नया टेक होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्सन ने वो पूरी तरह से टर्मिनेटर टू जजमेंट डे जो 1991 है उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म की जो कहानी है जो किरदार है वो ऑप्टिमस प्राइम प्रायर जो 2007 की फिल्म थी उससे हम इंस्पा इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे जहाँ पे बमली भी जो सेल्फ टाइटल फिल्म है वो किरदार भी इस फिल्म के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी जहाँ पे अलग अलग एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट को इस फिल्म के किरदारों के लिए लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सात जून 2021 को लॉस एंजलिस में स्टार्ट की गई थी शूटिंग को पेरू में रखा गया था उसके बाद में माचू पिचू कु मार्टिन मॉन्ट्रियल और बुरकिन में शूट किया हुआ था अक्टूबर 2020 तक इस फिल्म को ऑफिशियली अप करवाया गया था दो बीस अक्टूबर 2021 तक फिल्म का पूरी तरह से अप करवाने के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जहां पे इस फिल्म के वी के ऊपर और अल असीजी आई अलग अलग डिपार्टमेंट में इस फिल्म के साथ म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काम किया गया था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के लिए जोंगियर पौन टेम्स को चूज़ किया हुआ था जहाँ पर जिन्होंने काफ़ी अलग अलग फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया हुआ था और इस फिल्म के साथ इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था फिल्म को पूरी तरह से बाद में तैयार करवाया गया मार्केटिंग करवाई गई थी करीबन काफ़ी लंबी मार्केटिंग रही थी और उसके बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मारियन बे बेसेंट सिंगापुर में इस फिल्म को सत्ताईस मई दो को पहले प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस, कनाडा इंडिया ऐसे अलग अलग लोकेशंस में 9 जून 2023 को इस फिल्म को आई एम एक्स सिनेमा फोर रियल आई डी थ्री फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को बाद में पोस्टपोन का, का किया गया था पहले ये फिल्म करीबन चौबीस तो जून 2022 को आने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में 9 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था वैसे इस फिल्म के आने वाले समय में साउथ कोरिया में 6 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को बाईस जून दो हज़ार तेईस को रिलीज़ करने वाले अगस्त चार चार अगस्त दो हज़ार तेईस को इस फिल्म को जापान में भी रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में अलग अलग कंट्रीज़ में फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आईम डी पी अभी तक सोलह हज़ार वोट मिले हुए हैं जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म का एक प्रोडिक्शन लगाया गया था कि ये फिल्म कुछ इस काइंड ऑफ कलेक्शन करेगी उसके मुकाबले फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करके दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का पचास साठ मिलियन का कलेक्शन सोचा गया था ओपनिंग वीकेंड के ऊपर करीबन छत्तीस सौ तिहत्तर थिएटर में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था यूएस एस कैनेडा में जब रिलीज़ किया गया तब जो एक प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके मुकाबले फ़िल्म ने बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही दिन करीबन पच्चीस पॉइंट छः यू एस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जिसमें एक वेनजे और थर्सडे के जो नाइट प्रीव्यू स्क्रीनिंग रखी गई थी जो कलेक्शन था आठ पॉइंट आठ यू मिलियन डॉलर वो भी इंक्लूड है जहाँ पे द लास्ट नाइट जो फिल्म आई थी जिसने 2017 में पाँच पॉइंट पाँच यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था बम्बली ने दो पॉइंट पिचासी यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन 2018 में किया हुआ था और इस फिल्म ने डेब्यू ही सिक्सटी पॉइंट फाइव यू मिलियन डॉलर किया हुआ था जहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस पे उसने टॉप किया जून दो जून बारह जून 2023 तक इस फिल्म ने यानी कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ़ द बीट्स फिल्म ने करीबन 66.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन यूएस एस कनेडा से कवर किया वहीं पे 110 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन दूसरी अदर टेरिटरी से कलेक्ट किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का तीन दिनों के अंदर ही करीबन एक सौ मिलियन डॉलर के आसपास निकला हुआ था और इसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक वीकेंड हासिल किया और डेफिनेटली ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट कहलाई और आने वाले समय में इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स आने वाले जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है पॉसिबल क्रॉस है उसके बारे में बातचीत की गई थी जहां पर पेरामॉन्स के द्वारा बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर और जी जो फ्रेंचाइज है उसके शायद क्रॉस हो सकते हैं सिक्वल के बारे में बताया गया था कि इस फिल्म के एक प्रॉपर नए इंस्टॉलमेंट के तौर पे तीन पार्ट्स आने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तौर पे रिलीज किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म के बाद और भी दो पार्ट्स आने वाले तो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है तो आने वाले समय में इस सीरीज में और भी कई फिल्में देखने को मिलेगी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी सेटेलाइट के ऊपर तो अभी तक उसके ऊपर कोई डिसक्लोसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर का पहला पार्ट था उसको अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने ख़रीदा हुआ है उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिलहाल में अवेलेबल है तो हो सकता है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाले समय में इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ये फिल्म थिएटर में चल रही है और आसानी से दो तीन महीने तक तो ये फ़िल्म आसानी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आने वाले करीबन तीन चार महीने के बाद ही इस फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में इस फिल्म को अलग अलग ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया जाएगा उससे पहले भी इस फिल्म को अलग अलग तरीके से पे पर व्यू के हिसाब से कुछ इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा वैसे फ़िलहाल में थिएटर में चल रही है हिंदी तमिल तेलुगु इंग्लिश इन सभी वर्जन में अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को तो एक अच्छी फिल्म है इसे ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग वर्जन में फ़िल्म अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप थिएटर रिलीज मिस करते हो तो आने वाले समय में इस फिल्म को डेफिनेटली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंग्लिश तमिल तेलुगु हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज अभी देखना चाहते हो तो थिएटर में इन्जॉय कर सकते हो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दे रही है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 के अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हास्ब्रो का जो किरदार है ट्रांसफॉर्मर का टॉय लाइन का तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो के इस फिल्म के किरदार को, को तैयार किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 2007 से शुरू हुई ये सीरीज़ पहले जो जु, तीन जुलाई 2007 को ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके बाद में चौबीस जून 2009 को ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन करके एक सेकंड पार्ट लाया गया वो भी काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ उसके दो सालों के बाद उनतीस जून दो को ट्रांसफार्मर ट्रार्क ऑफ द मून को रिलीज़ किया उसके तीन सालों के बाद सत्ताईस जून 2014 को ट्रांसफार्मर एज ऑफ एक्सिस्टेंस को रिलीज़ किया था 21 जून 2017 को ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट को रिलीज़ किया हुआ था तो ये इस फिल्म के ओरिजिनल सीरीज़ के वर्जन थे उसके बाद में रिबूट फिल्म्स आई हुई थी इसके ऊपर जहाँ पे बम्बल बंबल बम्बल बली करके 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ की हुई थी और फाइनली अब 9 जून 2023 को ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द पीट्स को भी रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मर वन करके 13 सितंबर 2024 को इस फिल्म का एक और नया पार्ट आने वाला है जो अभी फिलहाल में प्रोडक्शन के ऊपर है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नल मेटियार और जोस पीटर्स एरिक होबियर जॉन हॉबेर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पांच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल्ड का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी पोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरादियन और डेंकेन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे स्काई डांस मीडिया हैजब्रो न्यू रिपब्लिक का पिक्चर्स डी आई पोनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारीना बे एंडस में 27 मई 2023 को रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमंस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूम ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहते तो ह्यूमस के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा डोमिनिक फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलिस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलेज ने इस फिल्म में प्रीना डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो नो की मां का रोल है डी स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइज का रोल प्ले किया है जो नो के यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से सफ़र कर रहा है वहीं पर टॉब के ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली ने इस फिल्म में एजेंट ब्योरके का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टील्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एंड डे ने इस फिल्म में बिशोप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ऑप्टीम प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पारमेन ने ऑप्टिमस प्रिमल का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कॉर्च का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लीजा कोजी में आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्टेटोसफेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बेटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइटबर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नाडिज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन क्रिस क्रिसा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म के नॉन स्पीकिंग किरदार के ऊपर एक तो है बी और दूसरा है फ्रीजर तीसरा है स्कॉर्पनोक तो ये भी तीन किरदारे वो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट किरदार है जिसमें अलग अलग एक्टर्स ने अपना वॉइस ओवर अपनी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस एज़ ए ह्यूमन ट्रांसफार्मर के तौर पे दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत चल रही थी जहां पे प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जहां पे इसको प्रॉपर वे में हम बड़ा एक प्रॉपर फ्रेंचाइज के तौर पर रिलीज़ करेंगे जहाँ पे, पे बम्बली बीच जिस तरह से उस साल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे के प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जनवरी दो में पेराउंड पिक्चर्स ने रिपोर्टली था कि दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्म के ऊपर काम चल रहा है जिसको जेम्स वेटलेबिट और अनदर राइटर जिसका नाम है जो भी हेरोल्ड वो लिख रहे नवंबर में पता चला था कि स्टीवन केपल जूनियर को एज अ डायरेक्टर के तौर पे का कास्ट के चूज किया हुआ है फरवरी 2021 में रिवील किया गया था कि ये फिल्म का टाइटल ट्रांसफॉर्मर बिस्ट एलाइंस होने वाला है जहां पे जिसमें बिस्ट वॉर के फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पची इसके बाद में वर्चुअल इवेंट रखा गया था जहाँ पे पेरामाउंट के द्वारा वो इवेंट हेल्ड किया गया था जून महीने में उसके बाद में इस फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल आया उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले जहाँ पे नाम मिला ट्रांसफर राइज ऑफ द पीट्स जहाँ पे वो रिविलिंग करता है बम्बे सिकवर्ल्ड के बारे में और बीस्ट वर्क के बारे में इसके अलावा बाद में कन्फर्म किया गया था कि मैक्सीम्स और पेडकॉन्स इसके साथ जुड़ने वाले जहाँ पे टेरेकॉन्स फिक्शन का एक नया टेक होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्सा ने वो पूरी तरह से टर्मिनेटर टू जजमेंट डे जो 1991 है उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म की जो कहानी है जो किरदार है वो ऑप्टिमस प्राइम प्रायर जो 2007 की फिल्म थी उससे हम इंस्पा इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे जहाँ पे बमली भी जो सेल्फ टाइटल फिल्म है वो किरदार भी इस फिल्म के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी जहाँ पे अलग अलग एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट को इस फिल्म के किरदारों के लिए लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सात जून 2021 को लॉस एंजलिस में स्टार्ट की गई थी शूटिंग को पेरू में रखा गया था उसके बाद में माचू पिचू कु तो, मार्टिन मॉन्ट्रियल और बुरकिन में शूट किया हुआ था अक्टूबर 2020 तक इस फिल्म का ऑफिशियली अप करवाया गया था दो बीस 20 अक्टूबर 2021 तक फिल्म का पूरी तरह से अप करवाने के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जहां पे इस फिल्म के वी के ऊपर और अलसी जी आई अलग अलग डिपार्टमेंट में इस फिल्म के साथ म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काम किया गया था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के लिए जोंगेयर पौन टेम्स को चूज़ किया हुआ था जहाँ पे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया हुआ था और इस फिल्म के साथ इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था फिल्म को पूरी तरह से बाद में तैयार करवाया गया मार्केटिंग करवाई गई थी करीबन काफ़ी लंबी मार्केटिंग रही थी और उसके बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मारियन बेसेंट सिंगापुर में इस फिल्म को सत्ताईस मई दो को पहले प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा इंडिया ऐसे अलग अलग लोकेशंस में 9 जून 2023 को इस फिल्म को आई एम एक्स डोल्बी सिनेमा फोर रियल आई 3डी फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को बाद में पोस्टपोन का, का, किया गया था पहले ये फिल्म करीबन चौबीस जून 2022 को आने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में 9 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था वैसे इस फिल्म के आने वाले समय में साउथ कोरिया में 6 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को बाईस जून दो हज़ार तेईस को रिलीज़ करने वाले अगस्त चार चार अगस्त दो हज़ार तेईस को इस फिल्म को जापान में भी रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में अलग अलग कंट्रीज़ में फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते एम डी अभी तक 16000 वोट मिले हुए हैं जिसमें 6.6 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहाँ पे इस फिल्म का एक प्रोडिक्शन लगाया गया था कि ये फिल्म कुछ इस काइंड ऑफ कलेक्शन करेगी उसके मुकाबले फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करके दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का पचास साठ मिलियन का कलेक्शन सोचा गया था ओपनिंग वीकेंड के ऊपर करीबन छत्तीस सौ थिएटर में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था यूएस कैनेडा में जब रिलीज़ किया गया तब जो ये एक प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके मुकाबले फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही दिन करीबन 25.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जिसमें एक वेनेसडे और थर्सडे के जो नाइट प्रीव्यू स्क्रीनिंग रखी गई थी जो कलेक्शन था आठ पॉइंट आठ यू मिलियन डॉलर वो भी इंक्लूड है जहाँ पे द लास्ट नाइट जो फिल्म आई थी जिसने 2017 में पाँच पॉइंट पाँच यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था बम्बली ने दो पॉइंट पिचासी यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन 2018 में किया हुआ था और इस फिल्म ने डेब्यू ही सिक्सटी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर किया हुआ था जहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस पे उसने टॉप किया जून दो जून बारह जून 2023 तक इस फिल्म ने यानी कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ़ द बीट्स फिल्म ने करीबन 66.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन यूएस एस कनेडा से कवर किया वहीं पे 110 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन दूसरी अदर टेरिटरी से कलेक्ट किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का तीन दिनों के अंदर ही करीबन एक यूएस मिलियन डॉलर के आसपास निकला हुआ था और इसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक वीकेंड हासिल किया और डेफिनेटली ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट कहलाई और आने वाले समय में इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स आने वाले हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है पॉसिबल क्रॉस है उसके बारे में बातचीत की गई थी जहां पर पे पेरामॉन्स के द्वारा बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर और जी जो फ्रेंचाइज है उसके शायद क्रॉस हो सकते हैं सिक्वल के बारे में बताया गया था कि इस फिल्म के एक प्रॉपर नए इंस्टॉलमेंट के तौर पर तीन पार्ट्स आने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तौर पे रिलीज किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म के बाद और भी दो पार्ट्स आने वाले तो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है तो आने वाले समय में इस सीरीज में और भी कई फिल्में देखने को मिलेगी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी सेटेलाइट के ऊपर तो अभी तक उसके ऊपर कोई डिसक्लोसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन जो ट्रांसफॉमर का पहला पार्ट था उसको अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदा हुआ है उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिलहाल में अवेलेबल है तो हो सकता है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाले समय में इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ये फिल्म थिएटर में चल रही है और आसानी से दो तीन महीने तक तो ये फिल्म आसानी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आने वाली है करीबन तीन चार महीने के बाद ही इस फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अलग अलग ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया जाएगा उससे पहले भी इस फिल्म को अलग अलग तरीके से पेपर व्यू के हिसाब से कुछ इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा वैसे फिलहाल में थिएटर में चल रही है हिंदी तमिल तेलुगु इंग्लिश इन सभी वर्जन में अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को तो एक अच्छी फिल्म है इसे ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग वर्जन में फ़िल्म अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप थिएटर रिलीज़ मिस करते हो तो आने वाले समय में इस फिल्म को डेफिनेटली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में इंग्लिश तमिल तेलुगु हिंदी जैसी लैंग्वेजेज़ में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज अभी देखना चाहते हो तो थिएटर में इन्जॉय कर सकते हो फिलहाल में फ़िल्म थिएटर में चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दे रही है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स ये एक 2023 के अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हास्ब्रो का जो किरदार है ट्रांसफॉर्मर का टॉय लाइन का तो उसके ऊपर इंफ्लुंस होकर इस फिल्म को, के किरदार को तैयार किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 2007 से शुरू हुई ये सीरीज़ पहले जो जु, तीन जुलाई 2007 को ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके बाद में चौबीस जून 2009 को ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन करके एक सेकंड पार्ट लाया गया वो भी काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ उसके दो सालों के बाद उनतीस जून दो को ट्रांसफार्मर ट्रार्क ऑफ द मून को, को रिलीज़ किया उसके तीन सालों के बाद सत्ताईस जून 2014 को ट्रांसफार्मर एज ऑफ एक्सिस्टेंस को रिलीज़ किया था 21 जून 2017 को ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट को रिलीज़ किया हुआ था तो ये इस फिल्म के ओरिजिनल सीरीज़ के वर्जन थे उसके बाद में रिबूट फिल्म्स आई हुई थी इसके ऊपर जहाँ पे बम्बल बंबल बम्बल ब्ली करके 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ की हुई थी और फाइनली अब 9 जून 2023 को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द पीट्स को भी रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मर वन करके तेरह सितंबर 2024 को इस फिल्म का एक और नया पार्ट आने वाला है जो भी फिलहाल में प्रोडक्शन के ऊपर है अब हम बात कर लेते ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ स्टीवन केपल जूनियर ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले वो जो भी हेरोल्ड डार्नल मेटियार और जोस पीटर्स एरिक होबियर जॉन होबेयर ने मिलकर किया हुआ है तो टोटल पाँच लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया जो भी हेरोल्ड का था ट्रांसफॉर्मर जो हाजब्रो का जो किरदार है उसके ऊपर इस फिल्म के किरदार को सेट किया हुआ है डॉन मर्फी टॉम डी सेंटो लॉरेंजो डी पोनावेंचरा माइकल बे मार्क वाहरादियन और डेंकेन हेंडरसन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे स्काई डांस मीडिया हेजब्रो न्यू रिपब्लिक का पिक्चर्स डी आई पोनवेंचरा पिक्चर्स बे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ है जिसको पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को पहले मारीना बे एंडस में 27 मई 2023 को रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ में 9 जून 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें पहले तो ह्यूमंस के ऊपर बातचीत करें क्योंकि इसमें ह्यूम ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे रहते तो ह्यूमस के बारे में बातचीत करें तो एंथनी रेमोस ने इस फिल्म में नो डाइस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है इसके अलावा डोमिनिक का फिसबेक ने इस फिल्म में एलिना वेलिस का रोल प्ले किया हुआ है जो आर्टिफिशियल रिसर्चर है इसके अलावा लूना लॉरेन वेलेज ने इस फिल्म में प्रीना डाइज का रोल प्ले किया हुआ है जो नो की मां का रोल है डीन स्कॉट वेजियर ने इस फिल्म में क्रिस डाइज का रोल प्ले किया है जो नो के यंगर ब्रदर का रोल है जो सिकल सेल डिस से सफ़र कर रहा है वहीं पर टॉब के ने इस फिल्म में रिक का रोल प्ले किया है जो नो का फ्रेंड है इसके अलावा माइकल केली ने इस फिल्म में एजेंट ब्योरके का रोल प्ले किया हुआ है जो अंडरकवर रिक्रूट है जीआई जो के लिए इसके अलावा सारा स्टील्स ने इस फिल्म में जिलियन का रोल प्ले किया हुआ है जो एलिना की बॉस है इसके अलावा एड एन डेवाइन ने इस फिल्म में भी शोप का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिक्योरिटी चीफ है लेनी पार्कर ने इस फिल्म में एम एस ग्रीन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है अब ट्रांसफॉर्मर की बारी आ जाती है पीटर क्योलिन ने ऑप्टीमस प्राइम का रोल प्ले किया हुआ है रॉन पारमेन ने ऑप्टिमस प्रिमल का रोल प्ले किया हुआ है पीटर डिंकलेज ने इस फिल्म में स्कॉर्च का रोल प्ले किया हुआ है माइकल यो इस फिल्म में एराजोर के रोल में देखने को मिलेंगे पीट डेविडसन ने मिरेज मिरेज का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा लीजा कोजिन ने आरसी का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डी ने इस फिल्म में स्ट्रेटोस्फ़ेयर और ट्रांसिट का रोल प्ले किया हुआ है डेविड सोबलो आपको रियोनोक्स और एपिलिक के रोल में देखने को मिलेंगे साथ ही में बैटल ट्रैप का भी रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे माइकल जाय रोड्रिक्स ने इस फिल्म में नाइटबर्ड का रोल प्ले किया हुआ है कॉलमैन डोमिनोक ने इसमें यूनिकॉर्न का रोल प्ले किया हुआ है क्रिस्टो फर्नांडीज आपको विल जेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे तोन क्रिस क्रिसा इस फिल्म में चिटोर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म के नॉन स्पीकिंग किरदार के ऊपर एक तो है बम्बली और दूसरा है फ्रीजर तीसरा है स्कॉर्पनोक तो ये भी तीन किरदारे वो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट किरदार है जिसमें अलग अलग एक्टर्स ने अपना वॉइस ओवर अपनी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस एज़ ए ह्यूमन ट्रांसफार्मर के तौर पर दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत चल रही थी जहां पे प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जहां पे इसको प्रॉपर वे में हम बड़ा एक प्रॉपर फ्रेंचाइज के तौर पर रिलीज़ करेंगे जहाँ पे, पे बम्बली बीच जिस तरह से उस साल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे के प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जनवरी दो में पेराउंड पिक्चर्स ने रिपोर्टली था कि दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्म के ऊपर काम चल रहा है जिसको जेम्स वेटलेबिट और अनदर राइटर जिसका नाम है जो भी हेरोल्ड वो लिख रहे नवंबर में पता चला था कि स्टीवन केपल जूनियर को एज अ डायरेक्टर के तौर पे का कास्ट के चूज किया हुआ है फरवरी 2021 में रिवील किया गया था कि ये फिल्म का टाइटल ट्रांसफॉर्मर बिस्ट एलाइंस होने वाला है जहां पे जिसमें बिस्ट वॉर के फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पची इसके बाद में वर्चुअल इवेंट रखा गया था जहाँ पे पेरामाउंट के द्वारा वो इवेंट हेल्ड किया गया था जून महीने में उसके बाद में इस फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल आया उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले जहाँ पे नाम मिला ट्रांसफर राइज ऑफ द पीट्स जहाँ पे वो रिविलिंग करता है बम्बल सिकवल के बारे में और बीस्ट वर्क के बारे में इसके अलावा बाद में कंफर्म किया गया था कि मैक्सिमल्स और प्रेडाकॉन्स इसके साथ जुड़ने वाले जहाँ पे टेरेकॉन्स फैक्शन का एक नया टेक होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्शन है वो पूरी तरह से टर्मिनेटर टू जजमेंट डे जो 1991 है उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म की जो कहानी है जो किरदार है वो ऑप्टिमस प्राइम प्रायर जो 2007 की फिल्म थी उससे हम इंस्प इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे जहाँ पे बमली भी जो सेल्फ टाइटल फिल्म है वो किरदार भी इस फिल्म के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी जहाँ पर अलग अलग एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट को इस फिल्म के किरदारों के लिए लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सात जून 2021 को लॉस एंजलिस में स्टार्ट की गई थी शूटिंग को पेरू में रखा गया था उसके बाद में माचू पिचू तो, सेंट मार्टिन मॉन्ट्रियल और बुरकलिन में शूट किया हुआ था अक्टूबर दो तक इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप करवाया गया था 20 दो बीस अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस तक फिल्म को पूरी तरह से रैप अप करवाने के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था जहां पे इस फिल्म के वी के ऊपर और सी जी आई अलग अलग डिपार्टमेंट में इस फिल्म के साथ म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काम किया गया था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के लिए जोंगियर पॉन्थेम्स को चूज़ किया हुआ था जहाँ पे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग आ, फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया हुआ था और इस फिल्म के साथ इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था फ़िल्म को पूरी तरह से बाद में तैयार करवाया गया मार्केटिंग करवाई गई थी करीबन काफ़ी लंबी मार्केटिंग रही थी और उसके बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मारियन सेंट सिंगापुर में इस फिल्म को सत्ताईस मई दो को पहले प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस, कनाडा इंडिया ऐसे अलग अलग लोकेशंस में 9 जून 2023 को इस फिल्म को आई एम एक्स डोल्बी सिनेमा फोर रियल आई डी थ्री फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को बाद में पोस्टपोन का, का किया गया था पहले ये फिल्म करीबन चौबीस जून 2022 को आने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में 9 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था वैसे इस फिल्म के आने वाले समय में साउथ कोरिया में 6 जून 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को बाईस जून दो हज़ार तेईस को रिलीज़ करने वाले अगस्त चार चार अगस्त दो हज़ार तेईस को इस फिल्म को जापान में भी रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में अलग अलग कंट्रीज़ में फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते एम डी पी अभी तक 16000 वोट मिले हुए हैं जिसमें 6.6 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहां पे इस फिल्म का एक प्रोडिक्शन लगाया गया था कि ये फिल्म कुछ इस काइंड ऑफ कलेक्शन करेगी उसके मुकाबले फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करके दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का पचास साठ मिलियन का कलेक्शन सोचा गया था ओपनिंग वीकेंड के ऊपर करीबन छत्तीस सौ थिएटर में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था यूएस कैनेडा में जब रिलीज किया गया तब जो एक प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके मुकाबले फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही दिन करीबन पच्चीस यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जिसमें एक वेनसडे और थर्सडे के जो नाइट प्रिव्यू स्क्रीनिंग रखी गई थी जो कलेक्शन था आठ यूएस मिलियन डॉलर वो भी इंक्लूड है जहाँ पे द लास्ट नाइट जो फिल्म आई थी जिसने 2017 में पाँच पॉइंट पाँच यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था बम्बली ने दो पॉइंट पिचासी यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन 2018 में किया हुआ था और इस फिल्म ने डेब्यू ही सिक्सटी पॉइंट फाइव यू मिलियन डॉलर किया हुआ था जहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस पे उसने टॉप किया जून दो जून बारह जून 2023 तक इस फिल्म ने यानी कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ़ द बीट्स फिल्म ने करीबन सिक्सटी यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन यूएस एस कैनेडा से कवर किया वहीं पे 110 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन दूसरी अदर टेरिटरी से कलेक्ट किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का तीन दिनों के अंदर ही करीबन एक यूएस मिलियन डॉलर के आसपास निकला हुआ था और इसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक वीकेंड हासिल किया और डेफ़िनेटली ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट कहलाई और आने वाले समय में इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स आने वाले जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है पॉसिबल क्रॉस है उसके बारे में बातचीत की गई थी जहां पर पेरामॉन्स के द्वारा बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर और जी जो फ्रेंचाइज है उसके शायद क्रॉस हो सकते हैं सिक्वल के बारे में बताया गया था कि इस फिल्म के एक प्रॉपर नए इंस्टॉलमेंट के तौर पे तीन पार्ट्स आने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तौर पे रिलीज किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म के बाद और भी दो पार्ट्स आने वाले तो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है तो आने वाले समय में इस सीरीज में और भी कई फिल्में देखने को मिलेगी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी सेटेलाइट के ऊपर तो अभी तक उसके ऊपर कोई डिसक्लोसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर का पहला पार्ट था उसको अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदा हुआ है उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिलहाल में अवेलेबल है तो हो सकता है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाले समय में इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ये फिल्म थिएटर में चल रही है और आसानी से दो तीन महीने तक तो ये फ़िल्म आसानी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आने वाले करीबन तीन चार महीने के बाद ही इस फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज में इस फिल्म को अलग अलग ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया जाएगा उससे पहले भी इस फिल्म को अलग अलग तरीके से पे पर व्यू के हिसाब से कुछ इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा वैसे फिलहाल में थिएटर में चल रही है हिंदी तमिल तेलुगु इंग्लिश इन सभी वर्जन में अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को तो एक अच्छी फिल्म है इसे ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग वर्जन में फिल्म अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप थिएटर रिलीज मिस करते हो तो आने वाले समय में इस फिल्म को डेफिनेटली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेज में इंग्लिश तमिल तेलुगु हिंदी जैसी लैंग्वेजेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज अभी देखना चाहते हो तो थिएटर में इन्जॉय कर सकते हो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दे रही है तो बस दोस्तों तो बस गायज आज के ऊपर जो इस फिल्म के ऊपर जो भी अपडेट्स तो है वो मैंने शेयर कर दिए तो बस गए ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए इस फिल्म को किस तरह से ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दी हुई है फिल्म की स्टारकास्ट सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू